डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। गोपाल विद्यालय इंग्लिश मीडियम के ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके समक्ष कुछ नई बातें लेकर के उपस्थित हुए हैं। हम इसके पहले अध्याय में 8 अंकों की संख्या के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। आज हम 9 अंकों की संख्या के बारे में जानकारी हासिल करने का प्रयास करेंगे। आइए उस पर हम थोड़ा कुछ नई बातें हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, आज आपके सामने एक नया अध्याय है जिस टॉपिक का नाम है लार्ज नंबर, यानी बड़ा नंबर। छोटे नंबर्स के बारे में हम जानकारी पिछले वीडियो में हासिल कर चुके हैं। आज आपका नया एक्सरसाइज है 3.1 है। इसमें सबसे पहले हम काउंटिंग नंबर्स के बारे में आपको थोड़ा जानकारी देने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम काउंटिंग नंबर्स के बारे में पहले भी बता चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा जानकारी आप प्राप्त कर लीजिए। देखिए, जो गणना वाले अंक हैं, टू द काउंटिंग ऑब्जेक्ट्स एज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अप टू, ये जो डिजिट हैं, ये जो अंक हैं, इन्हें हम काउंटिंग नंबर्स कहते हैं, यानी गणना के अंक इन्हें हम बोलते हैं। अब हम आ जाते हैं दूसरे नंबर पर, ये होल नंबर है, होल नंबर। अब ये बात उठती है कि आखिर में होल नंबर क्या है, तो आइए अब हम होल नंबर के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। अभी हमने आपको बताया कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अप टू 10 ये कौन से नंबर हैं, काउंटिंग नंबर हैं, इन्हें हम काउंटिंग नंबर बोलते हैं, यानी गणना के अंक बोलते हैं, या हिंदी में कह लीजिए तो जो हमने गिनती पढ़ा है इन्हें गिनती के अंक कह सकते हैं, गणना के अंक इन्हें हम कह सकते हैं। अंग्रेजी में इन्हें हम काउंटिंग नंबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काउंटिंग नंबर्स इन्हें हम बोलते हैं। इनके साथ यदि हम शून्य मीन्स जीरो को ऐड कर दें, तो जीरो से लेकर के जो आगे तक के अंक हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अप टू 10, ये जो जितने भी नंबर्स हैं इन्हें हम होल नंबर्स कहते हैं। इन्हें कौन सा नंबर बोलते हैं? इन्हें हम होल नंबर्स बोलते हैं। अब आ जाइए डिजिट पर। डिजिट क्या है? अब ये बात उठती है आखिर में डिजिट क्या है, तो डिजिट के बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए, हमने इसकी डिफिनेशन ब्लैक बोर्ड पर अंकित किया है। एवरी होल नंबर इज मेड अप ऑफ वन आर मोर ऑफ द सिंबल 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। सिंबल को हिंदी में संकेत कहते हैं। क्या कहते हैं? संकेत कहते हैं। तो ये जो संकेत के अक्षर हैं इन्हें हम डिजिट कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? डिजिट कहते हैं। यानी जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं उन्हें हम शब्दों में बोलते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अप टू 10। लेकिन केवल शब्दों में कह देने से बात पूरी नहीं होती है। जिस बात को हम शब्दों में अभिव्यक्त करते हैं उसको कुछ न कुछ आकार देना आवश्यक होता है। तो जो आकार होता है उसे हम सिंबल कहते हैं अंग्रेजी में, और हिंदी में संकेत कहते हैं। तो ये जो जीरो है, होल नंबर में जीरो भी आता है, सबसे छोटा होल नंबर जीरो है, तो जीरो
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9 ये संकेताक्षर हैं, ये इंडिकेट करते हैं। सपोज दैट जीरो, जीरो का मीन्स कुछ नहीं होता। अभी हमने आपको बताया टू द काउंट ऑब्जेक्ट, यानी वस्तुओं की जब हम गणना करते हैं। सपोज दैट ये गोली हम ले लेते हैं या बॉल, तो ये इस तरह से हम बॉल बना देते हैं, जीरो 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 जीरो। सपोज दैट ये जो बॉल आकार के ये ऑब्जेक्ट हैं, ये इतने तो हमने बना दिए। अब इनकी हम गणना करेंगे कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 यानी होल बॉल कितने हैं, 5 हैं। अब 5 तो हमने शब्दों में कह दिया, लेकिन इसको एक संकेत के रूप में भी अभिव्यक्त करना है, तो वो संकेत है इस तरह से, ये हमने संकेत बनाया जिससे सभी लोग इसको 5 ही बोलेंगे। तो ये संकेताक्षर है, इसी को हम डिजिट कहते हैं। क्या बोलते हैं, डिजिट बोलते हैं। तो डियर छात्रों, अब हम काउंटिंग नंबर्स, होल नंबर्स और डिजिट के बारे में आपको जानकारी दे चुके हैं। अब आप आ जाइए इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट, भारतीय अंकों का क्रमवार कैसे लिखा जाता है उस बारे में हम आते हैं। तो सबसे पहले उस कड़ी में वंस आता है, जिसको कि हम हिंदी में इकाई बोलते हैं, और उसके बाद हंड्रेड वंस, वंस के जस्ट आफ्टर हंड्रेड, तो ये हंड्रेड इसी वंस में ही है। हंड्रेड वंस के बाद आता है थाउजेंड, थाउजेंड के बाद आता है लाख, फिर क्रोर्स आता है। अभी हमने कहा कि हम इसके पूर्व में जो एट डिजिट नंबर्स हैं उनके बारे में जानकारी हासिल कर चुके हैं। अब हम उससे बड़े अंक के बारे में, यानी उससे लार्ज डिजिट के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। तो इसके पहले हम लाख तक की जानकारी हासिल कर चुके हैं, आज हम उससे एक कड़ी बढ़ करके यानी क्रोर्स तक के अंकों की जानकारी हासिल करेंगे। ये इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट के माध्यम से, ये वंस है, ये थाउजेंड है, ये लाख है और ये क्रोर है। तो वंस के परिधि में, वंस के अंतर्गत यहाँ वंस आता है, इसका संकेताक्षर जीरो है। वंस टेंस को टी से, टेन हो गया, यानी टेंस में टू डिजिट आ जाते हैं। उसके बाद हंड्रेड्स आता है, हंड्रेड्स में थ्री डिजिट, 1, 2, 3, इसका संकेताक्षर एच है। अगर हम संक्षिप्त में लिखना चाहेंगे तो एच लिख देंगे तो वो हंड्रेड हो जाएगा, टी लिख देंगे टेंस हो जाएगा, वो लिख देंगे या जीरो लिख देंगे तो वो वंस हो जाएगा। अब इस कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं तो थाउजेंड में आते हैं, यहाँ थ्री डिजिट्स हो गए ना, 1, 2, 3, 1, 2, 3। अब थाउजेंड में आइए, इसमें थाउजेंड्स है और टेन थाउजेंड्स है। थाउजेंड्स को हम टी एच के द्वारा भी संक्षिप्त में अभिव्यक्त कर देते हैं, और टेन थाउजेंड्स को हम टी टी एच के द्वारा अभिव्यक्त करते हैं। तो थाउजेंड्स में हम देखते हैं 1, 2, 3, 4 डिजिट हैं, और टेन थाउजेंड में देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5 डिजिट हैं। तो ये थाउजेंड्स पीरियड हो गया। अब हम लाख पीरियड में आते हैं, है ना, ये प्लेस वैल्यू चार्ट है। अब हम लाख पीरियड में आते हैं, तो लाख पीरियड में लाख होता है और 10 लाख होता है। तो लाख में कितने डिजिट्स हैं, हाउ मेनी डिजिट्स इन लाख पीरियड, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डिजिट हैं। 10 लाख में 7 डिजिट हैं, इसको हम टी एल से संक्षिप्त में अभिव्यक्त कर देते हैं, और यह लाख को एल से अभिव्यक्त करते हैं। तो 10 लाख में हम देखते हैं 1,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डिजिट हैं। अब हम करोड़ पर चलते हैं तो करोड़ में 1 करोड़ है और 10 करोड़ है। तो अभी हम लाख तक ही अध्ययन किए थे जिनमें हमें 8 डिजिट नंबर्स के बारे में जानकारी प्राप्त हुई थी। अब हम 9 डिजिट्स नंबर्स के बारे में जानकारी जब हासिल करते हैं तो करोड़ तक पहुंच जाते हैं। करोड़ ये है, इसमें 1 करोड़ में कितने डिजिट हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डिजिट हैं। 1, 1s, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 1,000,000, 10,000,000, 1 crore, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डिजिट। 10 crore में 9 डिजिट हो जाते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट के माध्यम से हम लार्जेस्ट 9 डिजिट्स नंबर्स के बारे में बात कर रहे थे। और अब हम आज के वीडियो में इतना ही आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। नेक्स्ट जो कुछ नई बातें हैं अब हम आपके समक्ष अगले वीडियो में लेकर के उपस्थित होंगे। धन्यवाद।